हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्य जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं घर पर मावा। आजकल त्योहारों का टाइम है, बाजार से मिठाई खरीदने से अच्छा है कि हम इसे घर पर ही मिठाइयों को तैयार करें। तो उसके लिए हमें मावा चाहिए होगा। मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध, या जो आप इस्तेमाल करते हैं उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मावा बनाने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस दूध को पकाना है, और इतना पकाना है कि वो गाढ़ा हो जाएगा और वो हमारा प्योर खोया या मावा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इससे इंस्टेंट कई सारी मिठाइयों को घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो अभी मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, और जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। और 1 लीटर दूध से लगभग हम 200 ग्राम मावा हम घर पर बना सकते हैं। तो इसलिए इसको कंटिन्यू स्टिर करते रहें, और जो साइड पे मलाई आए उसको भी इसमें मिलाते रहें। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है, और इसको नीचे से अच्छे से स्क्रेप करते रहें ताकि दूध जो है वो नीचे लगे ना, और साइडों की मलाई को भी इसमें मिलाते रहें। अब जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको स्लो आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो दूध सारा सूख जाएगा और वो अच्छी क्वांटिटी में हमारा खोया जो है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको स्लो आंच पर ही पकाएं अब। और कंटिन्यू बीच बीच में इसको चलाते ज़रूर रहें। आप देख सकते हैं दूध लगभग हाफ से भी कम रह गया है, और इसको हिलाते हिलाते मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दूध का कलर, थिकनेस, कितनी गाढ़ा हो चुका है दूध, और बट अभी भी ये खोया और हार्ड फॉर्म में नहीं आया। तो अब इसको थोड़ा और पकाएंगे कंटिन्यू स्टिर करते हुए, ताकि ये जो ये साइड की मलाई है वो भी इसमें हम मिक्स करते रहेंगे। ये खोया ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है, 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसको, और ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। तब तक इसको चलाते रहें और मलाई साइड से निकालते रहें। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस 1 से 2 मिनट ही और पकाएंगे, क्योंकि खोया जो है ये पड़े पड़े और थिक हो जाएगा। तो इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी खोए से हम कौन सी इजीली मिठाई घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे खोए के बाद पिस्ता बर्फी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ठीक है, तब तक बने रहें मेरे साथ जब तक ये खोया रेडी ना नहीं होता। अब ये रेडी हो चुका है, बस 1 सेकेंड में हम इसका गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। ये देख सकते हैं लगभग 1/4 से भी कम रह गया है, तो मेरे पास। और अभी गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं घर पर कितनी आसानी से हम मावे को तैयार कर सकते हैं, और ये मावा बनकर तैयार हो गया है। ये एक छोटी कटोरी से हम मिठाई कैसे तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।